वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनीता ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक है और हम भी ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ही मजा में है। और मेरा शिलोंग का ट्रिप अभी खत्म होने को है क्योंकि आज हम लोग सुबह अभी बज रहे हैं 9 और हम लोग अभी होटल को चेकआउट कर रहे हैं, होटल से निकल रहे हैं। और फाइनली मतलब होटल का जो जर्नी था होम स्टे का रहने वाला वो अभी खत्म करके फिर अपना घर को वापस जा रहा है। तो अभी 9 बजे अभी निकलेगा और दिन में थोड़ा एक दो जगह घूम लेगा। यहाँ से सुना है कि आपका व्यू पॉइंट है एक, अगर वो हुआ तो वो दिखेगा। और फिर जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है यहाँ का, जो मेघालय का शिलोंग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनेगा क्योंकि हमको बहुत ही शौक है ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का। तो अभी जाएगा और फिर देखेगा कि क्या क्या कैप्चर कर सकता है। फिर हम लोग को यहाँ से 2 या 3 बजे शिलोंग छोड़ के फिर वापस तेजपुर के लिए निकल जाना है। तो यही था जर्नी, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब छोटा जर्नी था लेकिन छोटा कम दिन में ही, 2-3 दिन या फिर 2 रात, इतना में हम लोग बहुत सारा चीज कैप्चर किया। बहुत अच्छा अच्छा मेमोरी अपना आप में ले रहा है, बहुत ही मतलब गुड मेमोरीज का साथ यहाँ से जा रहा है। और फिर से उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएगा और फिर अच्छा अच्छा मेमोरी आप सबको भी देगा और अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का दिन भी शुरू करते हैं। और अभी सब लोग निकल चुका है, हस्बैंड भी अभी ट्रॉली लेके निकला ही है। तो अभी जाते हैं और बाय बाय। ये रूम को भी थोड़ा सा मतलब होता है ना, मिस करेगा, ऑब्वियसली मिस करेगा। तो चलिए चलते हैं, सब निकल के मेरा नीचे में वेट कर रहा है और अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद निकल जाएगा। तो आज के स्पेशल ब्रेकफास्ट में है छोले, अंडा, बनाना और लच्छा पराठा और फिर चाय। तो यहाँ शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कर लिया अपना हैवी ब्रेकफास्ट और ये है साइरस का। क्या साइरस, बाय बाय। इतना अच्छा कुत्ता है, मतलब शिलोंग का कुत्ता सब इतना अच्छा है, देखिए। बाय बाय। मतलब भौंकता भी नहीं है। हम लोग खत्म, हम लोग का ट्रिप खत्म नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा बचा है। खत्म मतलब 80% खत्म हो चुका है, अभी खाली 20% बचा है घर तक पहुंचने के लिए, उसके बाद तो खत्म ही है ना। ये रहा फ्रेंड्स शिलोंग का स्ट्रॉबेरी जिसका एक पैकेट का 200। अभी टेस्ट करके देखिएगा कैसा है। अभी हम लोग जा रहे हैं शिलोंग का व्यू पॉइंट देखने के लिए। शिलोंग का व्यू पॉइंट तो एकदम पूरा वहां से एकदम शिलोंग का नजारा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंचे हैं शिलोंग का लाइट लूम व्यू पॉइंट देखने के लिए। बोला कि यहाँ जो हम लोग का गाइड है बोला कि यहाँ से बहुत ही सुंदर सा शिलोंग का व्यू दिखाई देता है। तो अभी हम लोग आया है तो देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाता है यहाँ का व्यू कैसा है। तो यहाँ से अभी हम लोग को लाइट लूम व्यू देखने के लिए पैदल थोड़ा जाना पड़ेगा। तो यहाँ में साइड में छोटा छोटा सा दुकान लगा हुआ है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ वो सब वहाँ होता है आपका खेती। आई अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते ऐसा रखा हुआ है, आप एकदम गर्म चाय पी सकते हैं। अब देखने जा रहा है नजारा। हम लोग
दुईथलुम अभी घूम चुका है। व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर था और जो ये जो सूखा सूखा घास है ये अलग से एक फील दे रहा है कि हम मतलब इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमान मतलब इतना पास है मेरा, तो वो देखिए वो बादल जो दिख रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि हम उसको पकड़ सकते हैं थोड़ा आगे जाके। मतलब ऐसा लग रहा है आसमान और धरती का एकदम मतलब बीच में हम लोग एकदम पास में है। तो अभी यहाँ से फटाफट निकलेगा वरना देर हो जाएगा, क्योंकि अलग स्पॉट भी हम लोग को कैप्चर करना है और कम टाइम में। और उधर देखिए आप लोग, यहाँ में फोटो तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आया है एलिफेंट फॉल में, तो यहाँ का थोड़ा नजारा देख लेगा। उसके बाद यहाँ में होता है आपका ड्रेस चेंज, जो खासी ड्रेस है यहाँ का ट्रेडिशनल वो पहन सकता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एलिफेंट फॉल का व्यू देख लेगा। अभी हम लोग आया है एलिफेंट फॉल में, तो यहाँ का थोड़ा नजारा देख लेगा, थोड़ा व्यू देख लेगा। उसके बाद ड्रेस चेंज करने का भी इधर में ही है। तो आइए सबसे पहले जाते हैं जहाँ सब लोग जा रहे हैं। तो यहाँ में हम लोग का मोदी जी भी आया था। तो सुनाई दे रहा है फाइनली कुछ मतलब जो झरना गिरने वाला, तो लग रहा है कि पहुंचने वाला है। तो ये एलिफेंट फॉल का आप देखिए कितना सुंदर से मतलब उसका आवाज सुनिए, मतलब हमारे पास है। ये सबसे पहले फर्स्ट फॉल है, उसके बाद है सेकंड फॉल और थर्ड फॉल। अभी हम लोग चाना का मजा लेते हुए सेकंड फॉल देखने जा रहे हैं। ये है सेकंड वाटरफॉल एलिफेंट फॉल का, तो ये देख सकते हैं आप भी, ये थोड़ा छोटा है थर्ड से, ये थोड़ा छोटा है। तो ये है सेकंड वाटरफॉल। फर्स्ट से सेकंड आने में ये हालत हो गया, अभी थर्ड भी जाना बाकी है, तो सीधा थर्ड में चलता है क्योंकि थर्ड वाला ज्यादा बड़ा है। तो चलिए जा रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि पानी का शोर इतना ज्यादा है। थक गया। देखिए एलिफेंट वाटरफॉल भी देखना हो गया। और तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और क्योंकि हम लोग को अभी ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनना है जो कि खासी का है, उसमें भी टाइम लगेगा जाता है। लेकिन जितना सीढ़ी बहुत ही चढ़ना पड़ता है ना, तो सांस बहुत ही फूल जाता है और थक भी जाता है। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा देर यहाँ में बैठ गया
क्योंकि जो नेचर का फील है हम वो लेना चाहता है। और चारों तरफ इतना ठंड और शोर शराबा, जो चिड़िया का आवाज़, पानी का लहर का जो आवाज़ है, तो हम सोचते हैं थोड़ा नेचर का फील लेता है और थोड़ा रिलैक्स होता है, अपना माइंड को भी रिलैक्स करता है। तो कुछ देर पास में गया बैठेगा, उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा फिर। तो कितना ठंड सच में बहुत ही अच्छा, और फैमिली लोग भी, हर कोई अपना फैमिली का साथ आ रहा है टाइम स्पेंड करने यहाँ देखने के लिए। तो तब तक आप लोग यहाँ से सीधा नीचे का व्यू देखिए, जहाँ हम बैठा हुआ है, सीधा जो हम नीचे देख पा रहे हैं उसका व्यू लीजिए।